पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूबे की राजधानी लखनऊ का हसनगंज क्षेत्र करीब 10 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। हसनगंज के डालीगंज में करीब मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को कुछ लोगों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। राजधानी लखनऊ में बेखौफ लोगों ने दिन दहाड़े फायरिंग की और कुछ लोगों ने हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी को धीरेन्द्र दास को गोली मारी। अज्ञात लोगों ने 50 वर्षीय धीरेन्द्र दास पर फायर झोंक दी जिससे वो घायल हो गए। उसको KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि कबीर मठ में शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने उनको गोली मारी। कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को बारात घर बुकिंग के बहाने आए बदमाशों ने गोली मारी। धीरेन्द्र दास सुरक्षित है। आपको बता दें कि 2015 में भी बारात घर के इसी प्रशासनिक अधिकारी पर गोली चली थी। जांच में अंदरूनी मामला निकलकर सामने आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज ये कबीर मठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बारात घर की बुकिंग इत्यादि करते हैं श्री धीरेन्द्र दास जी, और किसी कोई बुकिंग कराने वाले ग्राहक के आने पर कोई विवाद होने की स्थिति में उनको गोली लगी है और वो कार्रवाई की जा रही है। हैं अबूतला, ये जो पूरा मामला एक बार फिर सामने आ गया है दिन दहाड़े गोलीबाजी करने का, दिन दहाड़े हत्या जैसी वारदात को अंजाम करने देने की कोशिश करने का, ये अब राजधानी लखनऊ से सामने आया है। पूरे मामले की अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल बता दें, अगर तो आज सुबह 10 बजे हसनगंज क्षेत्र में गोली चलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कबीर मठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं धीरेन, उनको गोली मारी गई। हालांकि मामूली विवाद अभी तक बताया जा रहा है कि वो लोग साउथ की बुकिंग करने आए थे, मठ की बुकिंग करने आए थे, इसी विवाद को लेकर उन पर गोली चलाई गई। पर अगर राजधानी लखनऊ में देखा जाए तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। हफ्ते भर का अगर आंकड़ा देखा जाए तो हफ्ते भर में लगभग दर्जन भर हत्याएं हुई है, चाहे वो लखनऊ का क्षेत्र चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र, लगातार जो हत्याओं का सिलसिला है जारी है। आज भी इसी तरह की वारदात हुई और पुलिस को लगभग 1 घंटे तक पूरे घटना की जानकारी भी नहीं थी। जब पूरा मामला मीडिया संज्ञान में आया तब पूरी पुलिस को घटना की जानकारी हुई। और आपको बता दें आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रामा सेंटर से जांच में जुटे हैं। फिलहाल जो अभी तक कुछ मामूली विवाद बता रहे हैं कि इससे पहले भी 2015 में भी इनके ऊपर गोली चली थी, तो उसी कड़ी से पुलिस अभी पूरे मामले को जोड़ रही है। पर अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में जो अपराधी है उनका पूरी तरह से बोलबाला है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी लखनऊ में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और दिन दहाड़े गोलियां चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।